दोस्तों, मौसम चाहे कोई सा भी हो, केक हमेशा सभी को पसंद आते हैं। आज मैं आपके लिए फ्रूट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो भी बनाना फ्रूट केक। बनाने में बहुत ही सिंपल और इजी है, और इसका टेस्ट तो लाजवाब है दोस्तों। ये देखिए कितने जालीदार केक हमारे बनकर के तैयार हुए हैं। तो घर के सामानों से ही आसानी से बनने वाले केक की रेसिपी चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बनाना फ्रूट केक बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है। आप चाहें तो सर्कल शेप की केक टिन भी ले सकते हैं, और अगर केक टिन आपके पास ना हो तो घर में कोई भी स्टील के बाउल या फिर छोटे भगोने हो तो उसका भी यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर पेपर, और बटर पेपर को भी थोड़ा सा ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने दो केले ले लिए हैं, पके हुए केले हैं ये, और इनको मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर दोनों केलों को मैंने कट कर लिया है, और अब मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। 1/3 कप यहाँ पर मैं चीनी भी साथ में डाल रही हूँ, और सेम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है, इसे भी मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। और 1/2 कप यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, अनफ्लेवर्ड ऑयल। फाइनली अब हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमें मिक्सी को इतनी देर तक चलाना है जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं एकदम फ्लफी हो जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बनाना मिक्सचर जो है रेडी है। हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए दोस्तों, ताकि हमारा केक जो है वो एकदम बढ़िया बने। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, और 1/3 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अब हम पहले इसे छान लेते हैं अच्छे से। बाकी बचे मिल्क पाउडर को मैंने छन्नी में डाल दिया है, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सबको भी हम अच्छे से छान लेंगे। अब इस सूखे इंग्रेडिएंट्स में मैं हमने जो बनाना पल्प तैयार किया था उसे डाल रही हूँ, और डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं एक स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर रही हूँ दोस्तों। ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा है दोस्तों, इसलिए मैं 1 टेबलस्पून इसमें मिल्क और ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस भी डाल दिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर जो है यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे केक टिन में डालने की बारी है। तो केक टिन में डालने से पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर, और इस विनेगर को हम इस मिक्सचर में अच्छे से मिला लेंगे। और इसे मिलाने के बाद हम बहुत ज़्यादा देर तक इसे ऐसे ही नहीं रखेंगे, हम इसे सीधा केक टिन में डालेंगे। तो हमने इसे केक टिन में डाल दिया है, थोड़ा सा हम इसे टैप करेंगे ताकि जो भी बबल्स अंदर है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट पहले ही कढ़ाई को जो है गर्म होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल हाई फ्लेम पर। तो अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, और इस केक टिन को रख कर मैं इसे कवर कर देती हूँ, और 35 से 40 मिनट तक हम इसे ऐसे ही कवर करके पकने देंगे।
तो ये देखिए 40 मिनट के बाद मैं इसके कवर को हटाकर इसे चेक कर रही हूँ। मैंने इसमें एक चाकू डाला है, ये देखिए बिल्कुल साफ ये चाकू नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये अंदर से बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसे निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये केक अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें जो बटर पेपर लगे हुए हैं इसे मैं निकाल कर अलग कर दूंगी और इसे फिर वापस ट्रे में रखकर मैं इसके बीच से और इसके जो किनारे की जो साइड्स हैं उसे निकाल कर अलग कर दूंगी। और इसके बाद हम इसे छोटे छोटे केक की शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और जालीदार हमारे केक जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। तो ये दिखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं दोस्तों, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से केक बनाइए। यकीन मानिए आप इस तरीके से बार बार बनाएंगे और इसका मजा लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। टेक केयर एंड बाय बाय।